आज हम काम करने वाले हैं 2009 सुजुकी स्विफ्ट पर। ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई एम प्रिटी श्योर आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। This video is sponsored by Budmo. Budmo are the online experts when it comes to spare parts. आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के genuine spare parts घर बैठे खरीद सकते हैं। Budmo has one of the largest catalogs for spare parts. चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो, Budmo अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। यू कैन चेक आउट देयर वेबसाइट एंड ऑल्सो डाउनलोड देयर ऐप। इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड iOS बोथ। इस गाड़ी पर डेंटिंग का काम काफ़ी ज़्यादा था, थोड़ा बहुत माइनर रस्ट भी गाड़ी पर मौजूद था। मेन चीज़ ये थी कि कस्टमर का रिक्वेस्ट था कि मुझे गाड़ी पूरी खोल के अच्छे तरीके से 360 डिग्री से रेडी करनी है। इसके लिए आप वीडियो में आगे देखेंगे कि हमने गाड़ी का इंजन भी डाउन किया है, इंजन एरिया पर भी काम किया है और गाड़ी के फ्लोर बोर्ड पर भी काम किया है। दो तीन जगह पे रनिंग बोर्ड पे रस्टिंग का डैमेज था, तो उन एरियाज पे हमने पैचवर्क करके रनिंग बोर्ड का डिजाइन वापस ठीक कर दिया। अंदाजे में अगर मैं बोलूँ तो पैचवर्क की लाइफ अराउंड 20-30% लेस रहती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल पैनल रिप्लेसमेंट। बट अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिवली काम कराना है तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो हम कई जगह पर कर सकते हैं। कस्टमर ने गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदी थी और जब उन्होंने गाड़ी खरीदी थी तो इस पर ऑलरेडी सनरूफ इंस्टॉल करी गई थी और ये आफ्टर मार्केट सनरूफ इंस्टॉलेशन था, तो इसका जो काम किया गया था इतना अच्छे से नहीं था और कस्टमर को वाटर लीकेज की प्रॉब्लम्स आती थी। तो जब हमने अभी टॉप रिमूव किया है और सनरूफ रिमूव किया है तो इसका बीच का जो स्ट्रक्चरल मेंबर है, हमें वो भी पता चला कि सनरूफ इंस्टॉलेशन के लिए पूरा हटा दिया गया था। तो गाड़ी की एक्चुअल में जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो काफ़ी कम हो गई थी यहाँ पर, तो हम ये स्ट्रक्चरल मेंबर भी यहाँ पे चेंज करेंगे और ये कंप्लीट रूफ का पैनल नया डालेंगे और उसको वेल्ड करेंगे बॉडी से। गाड़ी में साथ ही साथ काफ़ी रस्टिंग के भी प्रॉब्लम्स हैं और कहीं कहीं जगह पे पैनल्स में छेद हो चुके हैं, तो इन जगहों पे हम फैब्रिकेशन का काम करेंगे। तो मेजर डेंटिंग का काम जो है वही रहने वाला है और साथ ही साथ इसके काउल पैनल का जो इधर का सेक्शन है,
तो इसको भी हम फैब्रिकेशन करके वापस से नया बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये रूफ इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है और साथ ही साथ बाकी का डेंटिंग का काम भी देखते हैं। फ्लोरबोर्ड पे अगर आप पैचवर्क का डिज़ाइन देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हमने दो ग्रूव्स बनाए हुए हैं हमारे पैच में, जो कि ओरिजिनल फ्लोरिंग पर भी वैसा ही ग्रूव आपको दिखेगा। ये मैच करने के लिए हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है। इस गाड़ी के डिलीवरी के दौरान राघव की क्लाइंट से काफी बातचीत हुई, जो हम अब आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। ये पर्टिकुलर व्हीकल सर को बिलोंग करती है। सर बहुत दूर से ये गाड़ी हमारे पास लेकर आए हैं हमसे काम कराने के लिए। तो सर अगर मैं जनरली आपसे पूछूं कि हाउ डिड यू कम अराउंड अस, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला और आपने कैसे डिसीजन लिया इस गाड़ी पे काम कराने का? सो फर्स्ट थिंग, ये गाड़ी मेरे पापा को बहुत पसंद है एंड like he wants to remodel it, right? So he don't want to sell it but he wants to remodel it, right? So maine search kiya internet pe, search kiya and then I came across the YouTube and one of my friend was also recommended, like are ye channel dekh le ek bar, right? Then I can go through with that and check kiya maine bahut sari videos and your job at the same time your detailing, right? And your quality, right? So I liked it and then maine turant papa ko bola are यहाँ पे भेज दो, नो डोंट डू इट देयर, क्योंकि मेरा फादर भी इसी फील्ड में है। सो बचपन से ही वाज अ मैकेनिक टू, बट स्टिल आई आस्क हिम अरे वहाँ नहीं इधर भेज दो, देन ही जस्ट सेंट इट टू मी ऑन ट्रांसपोर्ट एंड देन आई टेक इट टू यू। सो दैट्स हाउ इट वाज अ लॉन्ग जर्नी एक्चुअली एंड इवन माय फादर वाज सो मच कन्विंस्ड मी, लाइक अरे इतना दूर क्यों एंड यू आर गोइंग समवेयर एल्स, अरे क्वालिटी का ये है। सो ही सेड अरे टेंशन मत ले, फिकर मत करो, आई विल टेक केयर ऑफ द क्वालिटी एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सरप्राइज माय डैड। उन्होंने अभी तक गाड़ी देखी? अभी तक देखा नहीं। तो आपके फादर है कहाँ से, गाड़ी कहाँ पे थी ये? सो वी बिलोंग्स टू आंध्रा, एपी, नियर बाय विजयवाड़ा। सो राइट नाउ वी आर स्टेइंग इन हैदराबाद एंड ये गाड़ी हैदराबाद लेके जाने वाला टू गिव अ सरप्राइज। दैट मस्ट बी ऑलमोस्ट 1500 1800 किलोमीटर्स यहाँ से? टोटल 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर, ओके। तो सर 1200 किलोमीटर दूर से गाड़ी ट्रांसपोर्ट करा के हमसे काम कराने लाए एंड आई कैन नॉट बी मोर थैंकफुल टू यू सर, आपने इतना रिस्पेक्ट किया हमें एंड हम अपनी तरफ से देखिए कोशिश करते हैं गाड़ी में जितना अच्छा काम कर सके हम करें। हम ये भी नहीं बोलते कि हम परफेक्ट हैं इस वर्ल्ड में, हमसे भी गलतियां होती हैं और इस गाड़ी में थोड़ा डिले हुआ है शायद हमारी तरफ से और पार्ट्स की तरफ से भी थोड़ा डिले हुआ, बट वी ट्राई टू डिलीवर इट जितने अच्छी कंडीशन में आपको हम कर सके हमने वो किया।
आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दैट यू ड्रॉप द व्हीकल से लेके आज डिलीवरी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे सो आई विल कंक्लूड इन वन लाइन एक्चुअली एज यू सेड नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड बट हाउ पीपल बिकम अ वेरी यू नो वेरी फेमस और वेरी क्वालिटी प्रोडक्ट द परफेक्टनेस इज मोर एटलीस्ट 99% यू गाइज डिड दैट Okay. That's the only final conclusion line I would say. Right. So when I see this before and after video, right. definitely I was mesmerized, really. So that's how even not even one detailing I have seen. अरे यहाँ पे problem है, उधर problem है, इधर problem है, कहीं पे भी नहीं. So it was I was like smoke glass लेके मुझे ढूँढना है. अरे कहीं पे problem है क्या? आपकी गाड़ी में थोड़ी problems भी थी. ये शायद आपने second hand खरीदी? Yes, okay, yes. तो sir ने जब ली थी तो उसमें sunroof installed थी. Yeah. Aftermarket sunroof installed थी. तो वहाँ से water leakage हो रहा था. और सामने का काउल पैनल जो था वो पूरा गल के खराब हो गया था रस्टिंग हो गई थी yeah. हमने उसका भी फैब्रिकेशन किया जैसे आपने पूरे वीडियो में देखा होगा होपफुली आपकी गाड़ी में जितने भी प्रॉब्लम्स थी हमने वो सब रिजॉल्व करी है yes. अभी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में आप इस गाड़ी का अच्छा ख्याल रखें sure, और आपके sure, फादर definitely. और आपकी फैमिली बहुत खुश हो इस गाड़ी को देखकर definitely. मैं यही उम्मीद करता हूँ फाइनल वर्ड्स टू द ऑडियंस एक्चुअली सो I never think that itna acha hoga gaadi I never think about it right are ha hoga ya paint hoga ya kuch hoga right but around like 20% jo chalne wala gaadi ko aapne 100% leke aaya at least 99% tak leke aa gaya so that was a huge what do you say like satisfaction for me right so yeah हमने अपनी तरफ से कोशिश करी जितना अच्छा गाड़ी को बना सके और गाड़ी बहुत ही अच्छी बन के आई है आपने पूरा प्रोसेस देखा है फाइनल लुक्स भी आपने देखी है गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है कलर हमने थोड़ा सा चेंज किया है ऑडी का सिल्वर कलर इस पे मारा है तो ओरिजिनल स्विफ्ट से थोड़ा डिफरेंट लगे जब गाड़ी रोड पे जाएगी और साथ ही साथ हमने डुअल टोन गाड़ी के ऊपर लुक किया है तो ब्लैक की जो मिरर फिनिश है वो इस गाड़ी को बहुत ही एक्सेंचुएटिंग लुक दे रही है तो थैंक यू सो मच सर हमें मौका देने के लिए टू वर्क ऑन योर व्हीकल एंड लाइक आई सेड मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पूरी फैमिली को ये गाड़ी बहुत पसंद है या yeah.